Good evening, dear friend. I'm Advocate Shaina Praveen from Delhi High Court and District Session Court. I'm going to describe the summary trial before you to make those guys or those novice advocate who wants to learn and who wants to practice themselves without any गाइडेंस. वैसे भी बहुत सारे क्यूरियस बच्चे हैं जो न्यू प्रैक्टिशनर हैं और वो अपने आप ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए हमारी वीडियो बहुत ही ल्यूक्रेटिव होगी. और मैंने कोशिश की है कि उनको अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके, उनको नॉलेजेबल वीडियो बना करके दिया जाए ताकि उनको प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए. मैं आज आपको समरी ट्रायल के बारे में बताऊंगी. समरी ट्रायल को सीआरपीसी में ट्राई किया गया है और इसके जो सेक्शन है समरी ट्रायल के 260 से लेकर 265 है. समरी ट्रायल में कौन से जजेस को इन्वॉल्व किया जाता है, किन जजेस का पार्टिसिपेशन होता है, वो मैं आपको बताती हूँ. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ही शुड बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट ओनली. मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, ही शुड आल्सो बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. ओके. एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास, ऑल दीज judges should be appointed by the high court, so they will be given the charge of taking up the summary trial. अब आता है कि summary trial की proceeding क्या होती है. summary trial की proceeding ये होती है कि इसमें charge को frame नहीं किया जाता. दूसरे केसेस में सबसे पहले चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाता है. लेकिन समरी ट्रायल कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस को के नेचर को, इंटेंशन को देख करके डिसाइड कर दिया जाता है जजेस के द्वारा. जैसे थेफ्ट पनिशमेंट 379, 380, थेफ्ट विच इज डन इन द होम 310, 300 till 311, ड्यूपिंग इज डन बाय somebody. कि आपको मैं नौकरी लगवा दूंगा, आपको मैं अच्छे से अच्छा घर दिलवा दूंगा, आप इतने पैसे दे दें. तो इस तरह के केसेस का भी इंटेंशन नेचर देख करके जो है केस को डिसाइड कर दिया जाता है. और इस तरह के केसेस में जो समरी ट्रायल में होते हैं, पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 साल से कम होना चाहिए पनिशमेंट, तभी जजेस उसको डिसाइड करेंगे समरी ट्रायल के अंडर. अदरवाइज इट विल नॉट बी ट्राइड अंडर द समरी ट्रायल. 454 से लेकर के 456 तक हाउस ब्रेकिंग का केस आता है. 504 से 506 इंसल्ट बाय somebody नोविंगली, इस तरह के केसेस में हम समरी ट्रायल को चलाया जा सकता है दोस्तों. इतना ही नहीं, 454 और 455, 456 ऑफ आईपीसी, 504, 506, ये सारे ही केसेस में नेचर को, जैसे कि बताया जाता है कि हाउस ब्रेकिंग हो गई, चोरी हो गई, तो ये बहुत बड़ा केस है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के केसेस में जो भी चोरी की गई लेकिन वो सामान रिकवर हो जाता है, तो वहां पे जो उसका क्राइम है वो जीरो हो जाता है, निल हो जाता है. तो उस केस में इसको जो है समरी ट्रायल में ही रखा जाता है.
और इस समरी ट्रायल को जो है उसकी जल्दी ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। जैसे इसका नाम ही समरी है, इट मीन्स दैट इट शुड बी डिस्क्राइब्ड ब्रीफली विच विल नॉट हैव द चार्ज, चार्ज विल नॉट बी फ्रेम। चार्ज फ्रेम हो जाता है तो फिर ये इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो इसीलिए इसको समरी ट्रायल कहा गया है, क्योंकि समरी ट्रायल में कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं होता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं दूसरी वीडियो बनाती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। और कुछ आपकी क्वायरी हो तो उस क्वायरी में आप मुझे बताएं कि मैडम इस पे वीडियो बनाएं, तो डेफिनेटली मैं उस पे ही वीडियो बनाऊंगी। लेकिन इसको, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक आपको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ सेक्शंस जो हैं एनडीपीएस के भी होते हैं, और जैसे कि नॉन कॉमर्शियल में आ जाते हैं कि कंजम्पशंस क्वांटिटी है। एनआईए में भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शंस हैं। एक्साइज एक्ट में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जैसे शराब की बॉटल है 2 मिली और उस पर भी केस बन गया है कंजम्पशंस के लिए, तो इस चीजों पर भी वो चार्ज फ्रेम नहीं होता है और इसकी भी समरी ट्रायल में इसको रखा जा सकता है। वो एक्सेप्शंस होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि एक्यूजेशंस देखी जाएगी कि एक्यूजेशंस बहुत ही ह्यूज है या लाइट है, तो उसके नेचर को देख करके जो है जजेस को राइट होता है कि वो इस केस को डिसाइड करें। थैंक यू सो मच।